साथ शीर खुरमा। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने एक पैकेट सेवैयों का लिया है, एक कप ली है मैंने बारीक शुगर, 3 से 4 इलायची, ग्रीन इलायची, इसके अलावा एक कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तकरीबन 1.5 kg मिल्क है, ड्राई फ्रूट लिया मैंने एक कप, मिक्स ड्राई फ्रूट है, बादाम और पिस्ता, इसको मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने छुहारे लिए क्योंकि शीर खुरमा है तो खुरमा उसमें छुहारे तो लाजमी ही डलेंगे, तो ये मैंने छुहारे लिए और इसको भी मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। चलिए आप अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम खोया बनाएंगे, उसके लिए हम तकरीबन 1 tablespoon के करीब हम ऑयल लेंगे, आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप 1/2 cup मिल्क ऐड करेंगे, मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप चाहें तो आप डब्बे वाला भी फुल क्रीम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया। इसे बॉयल आने देंगे, अगर आप 1 cup ड्राई मिल्क ले रहे हैं तो जो ये लिक्विड मिल्क है वो आप 1/2 cup यूज़ करेंगे, और अगर आप 2 cup ले रहे हैं ड्राई मिल्क तो लिक्विड मिल्क जो है वो आप 1 cup यूज़ करेंगे। आपने इसको इसको बॉयल आने तक वेट करना है ताकि ये जो ऑयल है ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे 1 cup, तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है, हाई फ्लेम पे इसे आपने कुक नहीं करना है, और इसे आपने तब तक पकाना है जब तक ये मुकम्मल तौर पे इकट्ठा नहीं हो जाता और ये पैन को छोड़ नहीं देता। ये देखिए व्यूअर्स, 4 to 5 minutes में ही ये रेडी हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लो फ्लेम पे, 4 to 5 minutes में ये रेडी हो जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी तो ये आपको थोड़ा अलहदा सा लग रहा होगा ना, ये ठंडा होके बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा ये बाज़ार में मिलता है। हम इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने पैन में फिर से तकरीबन 2 tablespoons के करीब इसमें ऑयल डाला और अब हम इसमें ये पैकेट सेवैयों का डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखना है, अगर आप उसको, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाता है, हमें डार्क कलर नहीं देना, हमें सिर्फ गोल्डन सा कलर देना है। ये आपको रोस्टेड मिल भी जाती है बाज़ार में, अगर तो आपको आइडिया नहीं है कि आप कितना कलर दे सकते हैं और कितना नहीं, तो आप बाज़ार से रोस्टेड भी खरीद सकते हैं। सेवैयों की हमारी भुनाई हो गई है, इनका कलर देखिए, कलर इनका गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे और इसके साथ साथ हम दूध बॉयल होने के लिए रख देंगे। 1.5 liter मिल गई है, फुल क्रीम मिल्क है, हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये सेवैया हमने एक बॉल में निकाली है, इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं, कुछ लोगों को इलायची के दाने पसंद नहीं है तो होते मुंह में आते हुए, तो वो आप उसकी जगह पे इलायची के दानों की जगह पे आप उसको अच्छे से पीस के इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, ये छुहारे थे जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था, ये भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर मैं फिलहाल 1/2 cup ऐड करूँगी और 1/2 मैं बाद में ऐड करूँगी, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 2 tablespoons ड्राई मिल्क, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
आप इसकी जगह चीनी, बारीक चीनी की जगह पे आप चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी शीशे के जार में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जो खोया मैंने बनाया था वो भी जरा ठंडा हो रहा है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो इतने हमारा दूध बॉयल होता है तो फिर हम ये चीजें इसमें दूध में ऐड करके और उसको पकने के लिए रखते हैं। दूध बॉयल हो गया, दूध में अब हम ये ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखते हैं। खोया हमारा रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने फ्रिज में रखा था, मैंने आपको बताया था कि फ्रिज में रखा जाएगा तो ये बिल्कुल बाजार की तरह से हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल बाजार की तरह से ये अच्छे से सेट हो गया। अब हम ये इस खोए को शीर कुरमे में ऐड करते हैं। हमारा शीर कुरमा रेडी हो गया, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारा मज़ेदार होममेड खोए के साथ शीर खुरमा तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग आप अपनी मर्जी से डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स की कर सकते हैं। ये सारे में थोड़ा थोड़ा से मेरे पास ऑलमंड्स हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सारे में स्प्रेड कर दूंगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।